से एक बीड़ी फैक्ट्री के वर्कर का बेटा आज एक लग्जरी गाड़ी BMW चलाता है। आजीविका के लिए बार बार अपना काम बदलने वाले के दिन ऐसे बदले कि जमाना उसे सलाम करने लगा। तो किसी हाउसवाइफ की करिश्माई कामयाबी ने उसे सिर्फ न सिर्फ उसे अपने घर परिवार का ही बल्कि मोदी केयर के 50 लाख कंसल्टेंट्स की फैमिली का एक बड़ा सितारा यानी कि सुपरस्टार बना दिया। आज मोदी केयर के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी से अपने हाथ अपनी किस्मत बदलने वाले ऐसे तमाम मोदी केयरियंस हमारे बीच हैं। चलिए एक एक करके कुछ लोगों को मंच पे बुलाते हैं और उनसे जानते हैं जिंदगी बदलने की उनकी कहानी और आखिर क्यों और कैसे वो कह पा रहे हैं हाँ आजाद हूं मैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पे सुरेखा भार्गव जी को। यहाँ प्लीज स्टेज पे आए तशरीफ लाएं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मोदी केयर के इतिहास में सबसे कामयाब शख्सियत है, इज इट ट्रू? तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लिविंग द मोदी वे है, आपका नजरिया उसके प्रति क्या है और ये जो लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वो कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? आजाद हूं मैं, बस ये एहसास ही है लिविंग द मोदी वे। आजादी, अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी, अपने सपनों को जीने की आजादी, जो जिंदगी में करना चाहें वो करने की आजादी, जो पाना चाहें जो बनना चाहें वो बनने की आजादी, बस ये ही है लिविंग द मोदी वे। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो सोच भी नहीं सकते थे, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, बहुत सारी पढ़ाई करके डॉक्टरेट कर ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी कर ली, पर जैसा कि आपने देखा कि सारे सपने अखबार के नीचे दबा रखे थे। और तब ऐसे में एक मोदी घराने का एक मसीहा आना, उनका हाथ बढ़ाना, उस समय जब घर में सब कह रहे थे कि हम है ना तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस समय इनका समीर मोदी जी का ये कहना कि तुम करो ना, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो बहुत हार्ट वार्मिंग था। एक्चुअली हमें पता था कि ये सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए और सब कुछ इनके पास था, बट ये अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे ना, ये तब भी प्रोग्रेसिव थे, कुछ करना चाहते थे, अपने लिए कुछ करना चाहते थे, अपने सपने पूरे करना चाहते थे, दूसरों के सपने पूरे करना चाहते थे, डेली बेसिस पे लोगों को जीना सिखाना चाहते थे और हमसे कह रहे थे तुम भी पा सकते हो। तो उस वक्त बस मजबूरी कोई सामने नहीं आई और हमने फैसला किया कि हाँ हम भी लिविंग द मोदी वे करके देखेंगे, हम भी किसी दिन कहना चाहेंगे आई एम लिविंग द मोदी वे। शेखर जी, इट्स अमेजिंग, सफलता के लिए सारी जिंदगी निकाल दो मजबूरियों के नाम पे, उसकी बजाय जल्दी जल्दी कुछ करो, सफलता पाओ और फिर हमेशा के लिए एंजॉय करो लाइफ को, ये सिखाया है हमें मोदी वे ने और हम इन्हीं के सिखाए हुए तरीकों पर चल रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हम बसों में जाया करते थे, हम लोग कहीं ट्रिप पे जाते थे, बस में जाते थे, समीर मोदी जी अपनी पोर्शे अपनी BMW साथ लेकर के जाते थे और हमें इशारे से कहते थे यू कैन डू इट, तुम ये गाड़ी चला सकते हो। इसको कहते हैं कि जब एक बड़ा घराना आपको सिखाए कि कैसे सफलता पाई जा सकती है, कहते हैं ना बहुत बड़े बड़े व्यवसायिक घराने हैं पर वो सफलता डुप्लीकेटेबल नहीं है, वो किसी को सिखाते नहीं है। समीर मोदी जी ने एक तरीका निकाल दिया मोदी केयर के नाम का कि जो सफलता, जैसी सफलता मैं जी रहा हूं वैसी सफलता तुम जी सकते हो, तो उसके बाद तो उड़ान भरना आजादी की फिर बनता है। और ये काम खाली आप अपने लिए ही नहीं करो, ये काम आप दूसरों के लिए भी कर सको, आप दूसरे लोगों की जिंदगी को भी पॉजिटिवली टच कर सको, उसको कहते हैं लिविंग द मोदी वे। और गुड न्यूज ये है हर कोई, हर हिंदुस्तानी, हर इंसान जो सांस ले सकता है ना वो मोदी वे को लिव कर सकता है। ये कुछ लोगों की जागीर नहीं है, ये कुछ लोगों की जायदाद नहीं है, जो भी ठान लेगा इस लिविंग द मोदी वे की कोई प्राइस नहीं है अदर देन ड्रीम्स एंड कमिटमेंट, कोई भी जी सकता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। ये अभी अनिवार्य हो जाता है कि हम